आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक डिस्क के दूसरे टाइप हार्ड डिस्क के बारे में। जो हार्ड डिस्क है एक्चुअली क्या है, आपके पास सेट है डिस्क्स का, डिस्क्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है। जैसे आपके पास फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें आपके पास जो डिस्क होती है उसके अंदर सारा डाटा होता है। तो जो डिस्क है आपके पास, यहाँ पर डाटा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है और यहाँ पर कंक्रीट करता है वो सर्कल्स के थ्रू, या ट्रैक्स जो हमारी डिस्क के हैं वो हम बोल देते हैं। अ हेड सिमिलर टू अ फोनोग्राफ आर्म बट इज रिलेटिवली फिक्स। अब हेड होता है हर हार्ड डिस्क के अंदर, जैसे आपका फोनोग्राफ में होता है, लेकिन फोनोग्राफ का हेड आप इजीली कहीं भी मूव कर सकते हो, ये आपका फिक्स होता है। काम क्या है, किसी ऑपरेशन को रीड करना है, किसी ऑपरेशन को राइट करना है इंफॉर्मेशन को ट्रैक के अंदर, तो वो काम ये हेड करेगा। बेसिकली दो हेड हैं आपके पास, हर साइड एक हेड होगा डिस्क में जो रीड और राइट डाटा करेगा जब भी डिस्क स्पिन करेगी। हर रीड और राइट ऑपरेशन रिक्वायर करता है कि डाटा को लोकेशन कहाँ देनी है, और ऑपरेशन को हम इसमें बोल देते हैं सेक। डाटा ऑलरेडी इन अ डिस्क कैशे, अब जो डाटा है ये डिस्क की कैशे मेमोरी में होता है और लोकेटेड हम इसको कर सकते हैं मोर क्विकली। अब हार्ड डिस्क ड्राइव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रोटेशन स्पीड जाती है 4200 RPM से लेके 15000 RPM तक। ये डिपेंड करता है आपके पास कि आपकी हार्ड डिस्क का टाइप क्या है, उसका साइज क्या है, और डिस्क एक्सेस टाइम जो है ये मेजर किया जाता है मिलीसेकंड्स के अंदर। हार्ड डिस्क रिमेन पॉपुलर डाटा स्टोरेज ऑप्शन है, क्यों, कंज्यूमर एंटरप्राइज के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है, नॉन वोलेटाइल है। आपके पास सॉलिड स्टेट फ्लैश ड्राइव भी मिल जाती है, जिसको हम आजकल SSD बोल देते हैं, जो फिट होती है सेम एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस के अंदर, कि आप इसको चाहो तो इंटरनली यूज़ करो, चाहे आप इसको चाहो तो आप इसको एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हो। HDD जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है उसका ये काउंटर पार्ट है, और SSD जो है ये फास्टर है, ड्यूरेबल है, लेस पावर कंज्यूम चाहिए इसको हार्ड डिस्क से, लेकिन उससे एक्सपेंसिव भी है। तो ये यहाँ पर SSD की थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। SSD कंसीडर करता है बेटर फिस्ट एप्लीकेशन और डिमांड हाई परफॉर्मेंस को, और जो SSD है HDD आपका ऑफर करता है हाई कैपेसिटी यूज केसेस को। कैपेसिटी अगर हम 2000 के एंड्स की बात करते हैं तो जो Seagate और वेस्टर्न डिजिटल है, इन्होंने रिलीज की थी फर्स्ट 3 TB की हार्ड डिस्क। जो कंपनी आपके पास हमने बताई है Seagate और वेस्टर्न डिजिटल, जिसको आप WD के नाम से जानते हो। इसके बाद तोशिबा ने प्रोड्यूस किया फर्स्ट 4 TB डिवाइस को, फिर 2013 के अंदर Seagate ने 5 TB हार्ड डिस्क आपको प्रोवाइड की, और HGST आपके पास, जिसको अब हम वेस्टर्न डिजिटल के नाम से ही जानते हैं, इसका नेम चेंज हो चुका है, तो इसने शिफ्ट किया 6 TB हीलियम फील्ड हार्ड डिस्क को। तो आपके पास जो मैक्सिमम वर्किंग आजकल होती है वो हीलियम बेस्ड HDD के थ्रू होती है या SMR टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है, और हार्ड डिस्क जो कैपेसिटी है आपकी वो आपकी 10 TB से 12 TB, 14 TB और 16 TB तक आपको मिल जाती है। एडवांटेजेस क्या क्या है हार्ड डिस्क की, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, प्रोवाइड करता है आपको मैक्सिमम स्पेस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इसी तरह से स्पीड काफ़ी हाई है, काफ़ी लेस टाइम डाटा को रीड करने में लगाता है आपके पास फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले, आप बार बार इसको रीयूज कर सकते हो, कॉस्ट काफ़ी लो है आपके पास, और इसी तरह से जो डैमेज है इसके चांसेस काफ़ी कम है। डिसएडवांटेज क्या है हार्ड डिस्क की, थोड़ा कॉस्टली पड़ती है फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले, या अगर हम बात करें पेन ड्राइव के मुकाबले, या अगर हम बात करें थोड़ा सा मैग्नेटिक टेप्स के मुकाबले। पोर्टेबिलिटी, हार्ड डिस्क को लोकेटेड हम सिस्टम के अंदर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको इजीली पोर्टेबल नहीं कर सकते अगर आप उसको एज अ इंटरनल पार्ट के यूज़ कर रहे हो। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।